देश को सुनना चाहिए कि इस देश की बेटियों के साथ पुलिस स्टेशन के अंदर क्या हो रहा है। ओडिशा की एक बेटी अपना रेस्टोरेंट बंद करके रात को निकलती है, कुछ लड़के उसके साथ ईव टीजिंग की बात करते हैं। रोड रेज का मामले की कंप्लेन लेकर वो और उसका मंगेतर, जो इंडियन आर्मी में ऑफिसर है, पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। उन्होंने कहा कि उनको पुलिस स्टेशन में हाथ पैर उनके बांध दिए गए, एक महिला पुलिस कर्मी ने ये किया, और उसके बाद एक पुलिस पुरुष कर्मी आता है और वो आकर उनके अंडरगार्मेंट्स को निकाल देता है, उनकी छाती उनके ब्रेस्ट पर किक करता है, और यही नहीं, अपनी खुद के प्राइवेट पार्ट्स को दिखाकर उसने जो शब्द कहे वो मैं नहीं कह सकती हूँ यहाँ पर। ये ओडिशा में हो रहा है, उस ओडिशा में जहाँ आज भाजपा की सरकार के 100 दिन पूरे हुए हैं। नरेंद्र मोदी 17 तारीख को ओडिशा जाकर महिला सुरक्षा की बातें करते हैं, और उसी के कुछ घंटों में पता चलता है कि ओडिशा की इस बेटी के साथ पुलिस स्टेशन में दरिंदगी की गई। और ये कोई अबला नारी नहीं थी, एक लॉयर है, ये भारतीय सेना के अधिकारी की मंगेतर है, वो भारतीय सेना का अधिकारी जो सिख रेजिमेंट का मेजर है। सिख रेजिमेंट के एक मेजर की मंगेतर के साथ देश अपना ऋण इस तरह से चुका रहा है। वो लड़की चिल्लाती रही मेरी मदद करो, और उसके बाद भी उसकी मदद करने के लिए कोई आगे नहीं आया। और ये असलियत है कि लड़की का असली यौन शोषण ओडिशा के एक पुलिस स्टेशन में उस सरकार के पुलिस कर्मियों द्वारा हुआ, जो आज अपने 100 दिन मना रही है।